Rochita from Semi Marathon. In the last video, I have given a short introduction of first chapter, that is knowing our numbers. And today we are starting with exercise 1.1. So let's start. So first question is fill in the blanks. ठीक है, आपको इसलिए क्या करना है कि आपको blanks given है, आपको इसको fill करना है. कैसे? देखो, first question is 1 lakh is equal to -10,000. ठीक है, 1 lakh is equal to -10,000. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐसा नंबर फिल करना है कि वो 1 lakh बना. ठीक है, 1 lakh फॉर्म करे. अब वो कैसे, पहले देखो 1 lakh में आपके कितने जीरोज होते हैं, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, एंड 10,000 में आपके 4 zeros होते हैं, 1, 2, 3, 4. ठीक है, तो आपके यहाँ पे 5 zeros हैं, आपके यहाँ पे 4 zeros है, तो डिफरेंस कितने जीरो का है, 1 zero का है. तो आई विल पुट 1 zero इन द ब्लैंक. ठीक है, तो हमको कितने चाहिए होंगे, 10,000 चाहिए होंगे 1 lakh बनाने के लिए. कितने जीरो, कितने 10,000 चाहिए होंगे, 10,000 चाहिए होंगे 1 lakh बनाने के लिए. लेट्स कम टू सेकेंड पार्ट. दिस इज 1 million इज इक्वल टू -100,000. ठीक है, अब 1 million में आपके कितने जीरोस होते हैं, 6. ठीक है, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6. उसके बाद आपके 100,000 में कितने जीरोस होते हैं, 5. तो 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, अब अगेन डिफरेंस कितने जीरोस का है, 1 zero का डिफरेंस है, तो आई विल पुट 1 zero इन दी ब्लैंक. दैट मीन्स 100,000 आपको चाहिए होंगे 1 million बनाने के लिए. क्लियर? लेट्स कम टू नेक्स्ट वन. दिस इज 1 crore इज इक्वल टू -10 lakh. 1 crore इज इक्वल टू -10 lakh. नाउ 1 crore में आपके कितने जीरोज होते हैं, 7 zeros होते हैं. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. नेक्स्ट 10 lakh में आपके कितने जीरोज होते हैं, 6 zeros होते हैं. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6. अगेन हियर डिफरेंस ऑफ 1 zero. तो आई विल पुट 1 zero इन ब्लैंक. दैट मीन्स 10 lakh आपको चाहिए होंगे 1 crore बनाने के लिए. लेट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट डी. 1 crore इज इक्वल टू -1 million. अभी हमने इससे लास्ट वाले पार्ट में 1 crore वाला करा था, कितने जीरोस थे उसके अंदर, 7. अगेन आई विल पुट 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. एंड इन मिलियन, मिलियन में आपके कितने जीरोस होते हैं, 6 zeros होते हैं. लेट्स पुट 6 zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अगेन यहाँ पे आपका 1 zero का डिफरेंस है, तो 1 zero कहाँ में जाएगा, ब्लैंक में जाएगा. दैट मीन्स 10 million, 10 million आपको चाहिए होंगे 1 crore बनाने के लिए. लेट्स कम टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. 1 million इज इक्वल टू -lakh. 1 million में आपके कितने जीरोस होते हैं, 1 million में आपके कितने जीरोस हैं, 6. लेट्स पुट 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. एंड लाख में आपके कितने जीरोस होते हैं, 5. लेट्स पुट 5 zero. 1, 2, 3, 4, 5. दैट मीन्स यहाँ पे भी आपका डिफरेंस 1 zero का है, तो मैं आपका 10 यहाँ पे लिख दूंगी. तो क्या आपका आंसर आएगा, 10 lakh इक्वल होंगे 1 million. आपको ये समझ आ गया? अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि हम कैसे यहाँ पे देखें कि 1 crore में कितने जीरो होते हैं या 1 million में कितने जीरो होते हैं. तो इसका सिंपल लॉजिक ये है कि आपको साइन में इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना पड़ेगा. तो मैं आपको एक बता देती हूँ कैसे, अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. ठीक है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बता देती हूँ. सी, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में आपका होता है, ये आपको लिखना नहीं है, आपका क्वेश्चन सिर्फ ये है, दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में आपका होता है 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh,
10 lakh crore and 10 crore. ठीक है, अब आपका क्वेश्चन, मैं कोई भी से क्वेश्चन उठा लेती हूँ, मैं ये वाला लेती हूँ सी पार्ट. ठीक है, आपका है यहाँ पे 1 crore, तो करोड़ आपका है यहाँ, ये है आपका करोड़, तो करोड़ के आगे आप देखोगे कितने कितनी प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6 7, दैट मीन्स आपके करोड़ में 7 zeros है. ठीक है, ना यहाँ पे है आपका 10 lakh मीन्स दिस इज 10 lakh, ये है आपका 10 lakh, तो 10 lakh के आगे से प्लेसेस काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स 10 lakh में आपके 6 zeros, तो आपका आपको ऐसे जीरोस लगा के फिलअप्स करनी है. ठीक है, लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 says, place the commas correctly and write the numeral. अब आपको क्या करना है? Commas लगाने हैं और numeral लिखना है. Now what is numeral? Numeral वो होता है जब हम words को digits की form में या numbers की form में change करते हैं. तो ये आपको words की form में given है. ठीक है, आपको words की form में given है. अब आपको इसको change करके digit form लानी है, number form लानी है और उसके बाद कॉमास प्लेस करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 73,75,307. ठीक है, आपको फर्स्ट इसे क्या करना है, आप पहले क्या कर लोगे, इनके प्लेस वैल्यू चार्ट फॉर्म कर लो. दिस इज वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 lakh, करोड़, 10 crore. ठीक है, ये मैंने बना लिया है साइड में इसका इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. अब मैं क्या करूँगी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मतलब वर्ड्स की फॉर्म में जो है, दिस इज 73 लाख. तो मैं यहाँ पे देखूंगी लाख का, तो ये 10 lakh से शुरू होएगा, तो 73 लाख, आफ्टर दैट 75,000, थाउजेंड में आ जाएगा आपका 75, देन 307. तो मैंने अब इसको चेंज कर लिया है डिजिट्स की फॉर्म में, दैट मीन्स मैंने इसका न्यूमरल लिख दिया. अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे इसमें कॉमास लगाने हैं. तो मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको बताया था कैसे कॉमा प्लेस करते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. पहले राइट से आप 3 काउंट करोगे, 1 2 3, तो मैं यहाँ पे लगा दूँगी. नेक्स्ट है आपका 1,000 और 10,000, फिर मैं कॉमा लगा दूंगी. सो ये आपका बन गया 73,75,307. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ बी पार्ट, 9 crore 5 lakh 41. अब इसमें भी हम सेम चीज करेंगे, पहले हम बना लेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, क्योंकि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग नंबर 1 है, तो मैं इसको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बनाऊंगी. ठीक है, तो अगेन वंस, अच्छा जब आप इसे कर लेते हो तो आप इसे रब कर दो. ठीक है, क्योंकि फिर हमें इसकी कोई जरूरत नहीं होती, तो मैं इसको इजिली रब कर सकती. मैंने, आप इसको ऊपर पेंसिल से लिखोगे तब आप इजिली इसको रब कर सकते हो. ठीक है, तो इसका आंसर है ये. नाउ नेक्स्ट वन, 9 crore 5 lakh 41. 9 crore 5 lakh 41, इसमें मैं सेम चीज करूंगी, 1, 10, 100, 1,000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore, 10 crore. तो पहला है आपका 9 crore, सिर्फ 9 crore, तो मैं 9 जो लिखूंगी वो करोड़ के नीचे लिखूंगी. एंड देन 5 lakh, लाख से पहले क्या है 5, तो मैं लाख के नीचे लिखूंगी 5. उसके बाद है 41, ओनली 41, कोई 100 नहीं है, कोई 1000 नहीं है, सिर्फ 41. तो 41 में कहाँ लिखूंगी, एट द प्लेस ऑफ टेंस एंड वंस. अच्छा, ये बीच की प्लेसेस खाली है, मैं इसको छोड़ तो नहीं सकती, मुझे इसे भी फिल करना है, तो आई विल फिल इट विथ 0. मैं यहाँ पे 0 लिखूंगी. ठीक है, तो ये आपका बन गया 9 crore 5 lakh 41. ठीक है, अगर आप जीरोस नहीं लगाओगे तो आपका ये गलत हो जाएगा. बच्चे जो है यहीं पे मिस्टेक करते हैं, सिर्फ आंसर लिख देते हैं 9541,
दिस इज रॉन्ग. ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बनाओ पहले और उसके बाद ही इसको डिजिट की फॉर्म में चेंज करो. एंड अगेन आई विल रबेट, मैंने इसको रब कर दिया ऊपर से. अब मैं कॉमास लगाऊंगी, 1 2 3 कॉमा, 1 2 कॉमा, देन अगेन 2 कॉमा. तो ये है आपका इसका आंसर. अच्छा, मैं ये ऊपर वाला आंसर जो है मैं यही यहाँ पे लिख लूँ सो दैट आपको ये इजी हो जाए और मैं ये यहाँ से रब कर दूँ. क्लियर? तो मैंने इसका आंसर लिख दिया. फर्स्ट दिस इज सेकंड. नाउ नेक्स्ट वन, 7,52,21,302. ये अगेन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग है. तो मैं फिर से बनाऊंगी इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़. तो ये है आपका 7 करोड़. करोड़ से पहले क्या है? 7. तो करोड़ के नीचे मैं लिख दूंगी 7. After that आपका है 52 लाख. 52 लाख, तो 52 लाख. देन आपका है 21,000. थाउजेंड के नीचे लिख दूंगी मैं 21. ठीक है, देन है आपका 302. 100 के नीचे आएगा 3, देन 102. तो ये आपका फॉर्म हो गया सी वाले पार्ट का डिजिट फॉर्म. ठीक है, अब मैं इसमें कॉमास लगा दूंगी. तो मैं अगेन इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए कि ये इसका आंसर है 75,1,302. और मैं इसी में ही कॉमा प्लेस कर देती हूँ, 1 2 3, देन अगेन 2, देन अगेन 2. सो ये है आपका इसका आंसर. अब मैं यहाँ से इसको ड्रॉप कर दूँ. ठीक है, ये आपको पता लग गया ये अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम थे तीन. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट. 58,423,202. अब मिलियन आपका कौन से प्लेस वैल्यू सिस्टम में आता है? इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में आता है. तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में यहाँ पे लिख लूंगी. ठीक है, इंटरनेशनल में 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 10, 100,000, 1,000,000, 10 million answers 100 million. तो ये है आपका इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट. अब है 58 million. 58 million, तो 100 नहीं है, 58 मैं लिख दूंगी यहाँ. नेक्स्ट है आपका 423,400. 100 के नीचे आ जाएगा आपका 4, उसके बाद 23,000. तो 23,000, देन 202. तो ये आपका डिजिट फॉर्म में चेंज हो गया है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट. अब मुझे अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट ही हमें कॉमा प्लेस करना है, कॉमास को इंसर्ट करना है. हाउ? हमें क्या होता है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में मैंने आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम 3 का गैप लेते हैं. तो लेट्स स्टार्ट, 1, 10, 100, देन गैप ऑफ 3, 1, 10, 100, देन कॉमा, एंड उसके बाद कॉमा नहीं आएगा. ठीक है, तो मैं इसका आंसर भी यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, 58,423,000, 202. सो आपका आंसर है ये. लेट्स कम टू अनदर पार्ट. फर्स्ट आई विल रेज दिस वन ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. सो ई पार्ट, 23,30,010. ये आपका लाख है. लाख हमारा कौन से उसमें आता है? इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम. तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम का चार्ट बना लूंगी, 1, 10, 100, 1,000, 10,000, 1,000,000, 10,000,000, 10,000,000, 10 करोड़, 10 करोड़. आपका है ये 23 लाख. तो लाख में तो मैं लिख दूंगी 23. देन है आपका 30,000. तो 30 ऐसे लिखा जाएगा, 03 मत लिख देना, 30,000 है तो आपका 30 लिखा जाएगा. नेक्स्ट इज 10, ओनली 10. तो ओनली 10 आपका 10s or 1s की प्लेस पे आएगा और जो खाली है हम उसमें 0 लगा देंगे. ठीक है, देन आई विल पुट कॉमास.
सो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल इंडियन केस वैल्यू सिस्टम हमारा कॉमा ऐसे लगेगा. सो दिस इज योर लास्ट पार्ट. ठीक है, मैं इसका आंसर अच्छे से लिख देती हूँ यहाँ पे. 23,30,010. ठीक है, तो ये है आपका लास्ट पार्ट. सो गेम वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 2. आई होप ये आप सबको क्लियर होगा. बेटर ये होगा कि आप लोग चार्ट बना लो, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम चार्ट या इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम चार्ट, क्योंकि अगर आप वो नहीं बनाओगे तो फिर वो आपका गलत हो जाएगा. ठीक है, तो बेटर ये है अगर आपको लर्न है तो यू कैन डू, आप कर सकते हैं ऐसे. लेकिन अगर आपको लर्न नहीं है, आपको लगता है कि प्रॉब्लम हो जाएगी या गलत हो जाएगा, तो आप अपनी उसके लिए आप यहाँ पे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट या इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बना सकते हो. यू कैन डू इट इन रफ फॉर्म. क्लियर, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3.